क्योंकि आज मैं बहुत ही एक नॉस्टैल्जिक अवस्था में हूँ, बहुत सारी चीज़ याद आ रहा है, इसलिए एक साथ बैठ के आपसे ये गपशप कर रहा हूँ, आपसे ये बात सब बता रहा हूँ कि आप कुछ कुछ मालूम है आप लोगों को भी, मगर सब मालूम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ITC संजीत रिसर्च अकेडमी नंबर 1 NSC बोशे रोड, एक बिल्डिंग बहुत अच्छा पुरानी बिल्डिंग है, 250 साल की पुरानी बिल्डिंग, जिसका नाम है ऑल्डिन, ALDEEN, ऑल्डिन। कुछ लोग इसको अलादीन भी बोलते हैं, अलादीन मतलब जो कि भूत के तरह आके सब कुछ मिला देता है दुनिया को, इसी तरह ही ITC संगीत रिसर्च अकेडमी सडनली बंगाल के एक साउदर्न पार्ट में बन के संगीत संसार को बहुत कुछ दिया, बहुत दिया। देखिए ITC संगीत रिसर्च अकेडमी का पहला स्कॉलर अजय चक्रवर्ती, जो कि कानन साहब के घर में गाना गा के ज्वाइन किया था, किशन साहब ने मुझे 1977 सितंबर से ITC का स्कॉलरशिप देता था, 1,050 रुपया मुझे मिलता था। तो मैं श्यामनगर से आता था ट्रेन से, आते आके उनका रियाज में बैठता था। हमारे साथ तबले पर थे श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, बहुत ही एक पुराना बनारस के बहुत ही सज्जन, बहुत अच्छे एक तबला वादक थे लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। वो हमारे साथ बैठ के 3 घंटा रियाज करते थे हॉल में, जहाँ अभी ऑफिस है वहाँ बैठ के रियाज करते थे। करते करते जब 1 बज जाता था तब वो भी चले जाते थे, हम भी कहीं ना कहीं कोई ओड़िया होटल में 6 रुपया में खाना मिलता था, खा के फिर शाम तक घर चले जाते थे। फिर धीरे धीरे मार्च आया, 1978 मार्च, लॉन में प्रोग्राम बना, उस पर पहला शुरू किया था उस्ताद अली अहमद हुसैन, उन्होंने पुरिया धनिश्चय बजाया था, आज भी याद है, 1978 में भी 2 मार्च, और में भी थोड़ा सा इधर उधर होगा मगर मार्च में लॉन में बजाए थे। उसके बाद मैं बिहाग गया था, वो भी याद है, लास्ट में कौन बजाए थे मुझे मालूम नहीं है, मगर इसके बाद नेक्स्ट ईयर पंडित रविशंकर जी आए थे बजाने के लिए, ये याद है। तो ये संगीत रिसर्च अकेडमी ने देखिए सारे घराने का अलग अलग गुरुओं को वहाँ ला के रखा है, और उनके पास सीखने के लिए स्कॉलरों को पूरी भारत से चुन चुन के लाया और सिखाना शुरू किया। जितना आज कंठ संगीत के सबसे अच्छे कलाकार है भारत में, करीब करीब मोर देन 90% आर ऑल फ्रॉम ITC संगीत रिसर्च अकेडमी, जैसे शुभ्रा गुहा, मशकूर अली खान, अरुण भादुरी, मैं पंडित उस्ताद ये नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सभी लोग उस्ताद और पंडित लोग ही हैं, तो फिर मशकूर अली खान, फिर अरुण भादुरी, फिर हमारा आज का रशीद खान, फिर अजय चक्रवर्ती, फिर गोपा कांजीलाल भी उस समय सीखते थे, समरेश चौधरी सीखते थे, और म्यूजिशियन स्कॉलर में पंडित जगदीश प्रसाद थे, उनका नाम एक्चुअली जगदीश प्रसाद पंडित, इसीलिए मैं उनको बोला पंडित शब्द, नहीं तो पंडित किसी को नहीं बोल रहा हूँ मैं, जगदीश प्रसाद जी थे, और बकुल चटर्जी, और दिनकर पंशिकर, फिर बाद में शशांक मक्तेदार जो आज गोवा में बहुत अच्छा कलाकार है वो थे। फिर कुछ दिन के बाद वहाँ उल्लास कशलकर जी भी आए सिखाने के लिए, फिर उदय भवलकर आए, फिर इंस्ट्रूमेंटल सेक्शन में बुद्धदा, फिर मणिलाल नाग, फिर हमारे आलिया अहमद हुसैन भी कुछ दिन सिखाया शहनाई का। ये सारे लोग इस संस्था को एक एक कीमती संगीत का एक मंदिर बनाया। वहाँ
हम शुरू के दिन से थे, इसीलिए आईटीसी संगीत तीसरे अकेडमी का सारा किस्सा मुझे मालूम है। हमारे यहाँ एक एक्सपर्ट कमेटी था, उसमें कौन कौन थे, फाहिमुद्दीन डागर ध्रुपद में, बाद में अमीनुद्दीन डागर साहब भी आते थे, फिर रायचंद बड़ाल जो कि इंडियन फिल्म का जन्म दिया, रायचंद बड़ाल वो थे, डी टी जोशी जी जो कि इनायत खान साहब के शागिर्द थे, विलायत खान साहब के गुरु थे, विलायत खान साहब के गुरु भी थे, गुरु भाई भी थे वो थे, फिर मेरे गुरु जी गुरु ज्ञान प्रकाश घोष जी जो कि संगीत संसार में ऐसे गुरु शायद ही कोई बना है, ऐसे गुरु जी थे, फिर कानन साहब मालविका जी, ये लोग भी शुरू के दिन से गुरु भी थे, एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर भी थे। तो फिर ये सब लोग बैठ के स्कॉलरों को सुनते थे और पूछते थे कि तुम इसमें मध्यम कैसे लगाते हो, इसमें गंधार कैसे लगाते हो। आज बताइए राग संगीत का जो एक माहौल आईटीसी संगीत रिसर्च अकेडमी में बनाया वो और कहाँ है, कहीं नहीं है। ये चर्चा जो है कि कैसे अच्छा हो, इस राग का वो बंदिश था, वो अलादिया खान साहब गाते थे, नहीं नहीं वो बंदिश तो है मगर खादिम हुसैन खान साहब दूसरा बंदिश बनाया था, वो ऐसा था, ये सब चर्चा अभी कहीं नहीं होता है, आईटीसी संगीत रिसर्च अकेडमी में होता है। और ये मैं जी होमेज जो नाम पे जो आप सुन रहे हैं ये सीरीज, होमेज मतलब मेरा प्रणाम, ये जिनके नाम बताया मैं ये सब मेरे गुरु है। छोटे उम्र है किसी का बड़े उम्र है मगर हर एक से मैं सीखा, और सबसे इन्फ्लुएंशियल जिन जिन से मैं सीखा वो है उस्ताद बड़गुला अली खान साहब और उस्ताद आमिर खान साहब, और बड़गुला अली खान साहब के सुपुत्र उस्ताद बड़गुला अली खान साहब से मैं गंडावाद कर सीखा, इसीलिए हमें लोग पटियाला नाम के एक कमरा बना के वहाँ उसके अंदर घुसा दिया, विच इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि मेरे गुरु जी पहले ही सिखाया कि गुरु बोले कार्य प्रणाम कोर भी मन, किन से क्या सीखोगे, हर एक के पास सब कुछ सीखने का है, कुछ कुछ एलिमिनेट भी करना है, वो भी सीखना है कैसे एलिमिनेट करना है क्यों। तो ये मैं होमेज मानता हूँ, क्योंकि ये जो वैल्यू सेंस है अक्सर साहब को आईटीसी संगीत रिसर्च अकेडमी बनाने का, और उस पर कैसे काम चलेगा, कैसे क्या बच्चों का उन्नति होगा, इसके बारे में किसी साहब का कंट्रीब्यूशन, ये तो गुरु ही है, ये तो हमारे इन लोगों को ही तो मानना पड़ेगा, मान के तो तब हम सीखेंगे, नहीं तो कैसे सीखेंगे। नेक्स्ट दिन एक्टिविटीज़ के बारे में और वहाँ के गुरु कैसे कैसे सिखाते थे, क्योंकि मैं किसी के साथ अटैच नहीं था इसीलिए मैं हर एक के पास जाके सीख सकता था, उसका बेनिफिट मैं कैसे लिया मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट दिन।